काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग कला संकाय द्वारा एक दिवसीय नेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया। ये सेमिनार ICHR नई दिल्ली और काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के संयुक्त तत्वाधान द्वारा आयोजित किया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मालवीय जी के चित्र पर माल्यार्पण, दीप प्रश्न और कुलगीत के साथ प्रारंभ हुआ। इसके बाद अतिथियों का स्वागत और अंग वस्त्र, स्मृति चिन्ह और पुष्प गुच्छ देकर किया गया। प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग प्रोफेसर अनिल कुमार दुबे ने बताया कि भारतीय ज्ञान परम्परा पर भारत में जो विज्ञान की परम्परा रही है, भ्रम से ही आज उसका क्या महत्व है, क्या प्रासंगिकता है, इसके संदर्भ पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इसके माध्यम से विद्वानों के द्वारा कही गई बातें सामान्य लोगों के बीच में जानी चाहिए कि हमारी कितनी समृद्ध परंपरा रही है। हाँ, मैं मिसेस उत्तरा वसंत शिंदे एंड वाइफ ऑफ डॉक्टर वसंत शिंदे। वसंत शिंदे वॉज वाइस चांसलर। हिंदी में बोलना है? ओके। पुणे में रहते थे, डेक्कन कॉलेज में। डेक्कन कॉलेज जो रेप्यूटेड है, इसके लिए माना जाता है बिकॉज वो एंशंट हिस्ट्री का अभ्यास करते हैं। BHU से हम जुड़े हुए हैं 25 सालों से, जब पुरुषोत्तम सिंह जी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। एक सेमिनार मैंने अटेंड किया था और BHU में बार बार, ये हमारा सेकंड होम है क्योंकि यहाँ पर लगातार सेमिनार होते रहते हैं। हिस्ट्री के ये आयोजन करते हैं और हिस्ट्री को बढ़ावा देते हैं। इनके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमसे कनेक्टेड है डेक्कन कॉलेज से, और मैं तो बहुत खुश होती हूँ BHU में आने से। BHU इज़ वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी और बहुत काम करता है, और एंशंट हिस्ट्री से भी बहुत, एंशंट हिस्ट्री के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इनके पास। मैम, आज जो सेमिनार हो रहा है तो ये बच्चों के लिए किस तरह उपयोगी सिद्ध होगा ये? हाँ, देखिए, अभी आज जो गेस्ट आए हैं सारे विद्वान हैं एंशंट हिस्ट्री के। एक तो राघवेंद्र जी है, वो तो, उनको तो पद्मश्री से सम्मानित किया हुआ है। डॉक्टर वसंत शिंदे जो है वो तो पूरे दुनिया में, प्लैनेट पर ही इज़ नोन एज एन आर्कियोलॉजिस्ट। पूरा उनका लाइफ है, 50 साल का उन्होंने पुरातन शास्त्र के लिए ही दिया है। वो जीते हैं सिर्फ पुरातन शास्त्र के लिए। तो ये जो यहाँ के विद्यार्थी है BHU के, ये बहुत वेट करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं ऐसे प्रोफेसर आए उनको गाइड करें। तो आज ये बहुत महत्वपूर्ण है जो ये सब आए हैं और ये सेमिनार हो रहा है। अपना परिचय। प्रोफेसर अनिल कुमार दुबे, प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। गुरु जी, किस तरह का ये आयोजन हो रहा है और क्या है? ये भारतीय ज्ञान परम्परा पर, भारत में जो ज्ञान विज्ञान की परम्परा रही है प्रारंभ से ही, प्राचीन काल से ही, और उसका आज क्या महत्व है, आज उसकी प्रासंगिकता क्या है, इस संदर्भ में एक दिवसीय सेमिनार हो रहा है। इसके माध्यम से ये विद्वानों, जन सामान्य लोगों के बीच में जाना चाहिए कि हमारी कितनी समृद्ध ज्ञान की परंपरा रही है, देश दुनिया समाज के विषय में लोगों का चिंतन क्या था, और साथ ही साथ उस वह परंपरा जो भी है वो लोग सोचते विचारते थे हमारे प्राचीन विद्वान, आज उसका प्रासंगिकता क्या, आज उसका रिलेवेंस क्या है, और साथ साथ उसको जानना क्यों जरूरी है। तो इस विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के सहयोग से की जा रही है, और जिसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों से विद्वान आए हैं और साथ ही साथ ICHR के चेयरमैन प्रोफेसर तंवर भी हैं, और उस संदर्भ में लोग चर्चा। मुख्य अतिथि ICHR के चेयरमैन प्रोफेसर राजेंद्र आर सिंह तंवर जी। कितना ये सेमिनार जो है छात्रों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा? इसीलिए है क्योंकि छात्रों को, जन सामान्य लोगों को जानना हमारी एक परंपरा किस तरह से प्राचीन, आज से 2000, 3000, 5000 साल